दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भारी जीत के हिस्सा में शामिल है समस्तीपुर जिले के उजियारपुर का लाल ऋतुराज गोविंद। ये किराड़ी विधानसभा से खड़े हुए और अच्छी बहुमत से जीत हासिल किया। समस्तीपुर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अपनी टीम के साथ उनके गांव गए और चाचा चाची सहित परिवार के सदस्यों को मिठाई खिलाया। ये है किराड़ी विधानसभा के विधायक ऋतुराज गोविंद। जीत के बाद जश्न मनाते हैं। जी हां, समस्तीपुर जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर उजियारपुर प्रखंड स्थित निकसपुर पंचायत का यह दौलतपुर गांव है। आम आदमी पार्टी के कप्तान केजरीवाल ने अपने कामों के कारण दोबारा जीत हासिल किया है। इस बार 63 विधायक ने जीत हासिल किया। इस 63 में से एक विधायक जो किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के ऋतुराज गोविंद हैं, उनका पैतृक घर इसी गांव में है। आपको मैं दिखाता हूं उनके गांव वाले घर के दरवाजे पर उनके नाम का बोर्ड लगा है। गांव के लोग और घर के लोग किस तरह खुशी बयां कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने भक्त की छाती पर इतिहास लिखने का काम किया है। वो सदा विकास का आकाश देखा करते हैं, जीवन के पन्ने पन्ने पर विश्वास लिखा करते हैं। अरे ऐसे ही लोग अपने कर्म की कुची से भक्त की छाती पर इतिहास लिखा करते हैं। अच्छा लगता है, स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय काम से संतुष्ट लोग हुए तब तो उन्होंने भक्त दिया। आदमी काम देखता है, नाम नहीं। आप लोग उनके साथ कितना दिन या वो आपके साथ कितना दिन गांव में रहे? बचपन से ही रहे, उसके बाद चले गए पढ़ने के लिए, बाहर पढ़े हरियाणा में पढ़े। उनके पिताजी हरियाणा ही किसी कन्वेंट स्कूल में शिक्षक थे, उनकी पढ़ाई लिखाई। आप लोगों के साथ बहुत अधिक कम समय, अभी क्या फील हो रहा है आप लोगों को? बहुत खुशी। क्या नाम हुआ आपका? वैद्यनाथ बेटा। अपन बहन बेटा। अच्छा, बढ़िया लगे छे। बचपन तो हर हर रहे, बहुत शैतान है आखिरी। हमेर जो मौसी रही है, आज से हमारे यहाँ बहन के रिश्ता में मौसी भेली, आ यहाँ के रिश्ता में हमारे देवर भेले। आ मौसी आ भौजी करते आवे रहे, इतना हर हरी करे रहे से नाम नहीं लिया। हमारे नंदोसी जे रहते हैं कि थोड़ा माइक आवाज कर कौन तो हाँ, इतना शैतान रहे। की नाम भेला आगे? हम मार। हाँ, मैं जिला अध्यक्ष समस्तीपुर से आम आदमी पार्टी का केशव किशोर प्रसाद। आज हम आए हैं जो ऋतुराज जी का ये मकान है, जो दिल्ली में विधायक इस बार आम आदमी पार्टी के तरफ से किराड़ी से विधायक चुने गए हैं, और पिछली बार भी इन्होंने जीता था बहुमत से। इस बार भी दिल्ली के लोगों ने इतना प्यार दे करके इन्हें फिर पुनः विधायक बनाया है, और ये हम लोगों के लिए, समस्तीपुर के लिए, बिहार के लिए ये गर्व की बात है कि बिहार का बेटा, समस्तीपुर का बेटा, उजियारपुर का बेटा दिल्ली में जो झंडा गाड़ा है, इसके लिए हम आज इस परिवार में खुशी मनाने आए हैं। और लटपाट के आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इन्हीं के मार्गदर्शन में आदमी यहाँ के जो बिहार बदलने की बात है, इनसे सीख करके हम बिहार में भी आगे अच्छा काम और समस्तीपुर में बिहार बदलने का काम करेंगे। इनके घर के लोगों से मिलके आपको कैसा लगा? ये पूरे पारिवारिक माहौल में है, ये किसान परिवार से यहाँ आते हैं, और किसान का बेटा जो आज दिल्ली में झंडा गाड़ा है उसी का ये
बहुत ही मतलब खुशनुमा वातावरण, पूरे सभी चाचा जी, बड़े चाचा जी हैं और भाई भी हैं, सब लोग हैं यहाँ, तो इन लोगों के बीच बहुत अच्छा लग रहा है और एक एहसास हो रहा है अपनापन का, प्यार का, मोहब्बत का, यहाँ से मिलते हैं। हम बड़े चाचा हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है जो केजरीवाल जी जो वहाँ काम किए दिल्ली में, और मेरा भतीजा भी उसमें बहुत सहयोग किया, अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया, जिसके बदौलत फिर दूसरी बार वो जीत करके आया है। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि अगले बार भी वो निश्चित रूप से जीतेगा ही और केजरीवाल का फिर सरकार बनेगा। क्या नाम है आपका? शशिभूषण चौधरी। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय चकदौलत की शिक्षिका, मेरा नाम कमला कुमारी है, मैं चकदौलत ग्राम की निवासी हूँ। और मेरा यह जो बेटा, एक तरह का बेटे है, वह विधानसभा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार यह पद हासिल किया, यह बहुत खुशी की बात है। इसका काम देखकर इतना सराहनीय काम किया, जिसके चलते दोबारा इसको मौका मिला। यह दिल्ली गई नहीं आप? हाँ, दिल्ली गई है, तो वहाँ का भाषा हम उतना दिन नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं। अच्छा, अभी दिल्ली गए हैं कि नहीं? अभी अभी हो गया, महीना पहले गए। और खुशी है, खुश हम सब परिवार, पूरा परिवार खुश है, खुशी मना रहे हैं। तो यह सौभाग्य की बात है जो अपने परिवार का कोई भी सदस्य आगे बढ़ा।